टाइम तो सानू 2 सैकेंड कहते कि ऑपरेट होना वा, ऑपरेट च लै गए तो कहते साइन करो। असी साइन सानू की पता भी कि की करन दे हुण की नहीं करन दे। ऑपरेट होया, बेटी होई आ ते बाद कल दा यूरिन नहीं पास होण दिया शाम ना ही। तो उन्होंने नर्स ने, स्टाफ नर्स ने पता किया, मोबाइल हाथ चो खोलिया, कहते अहीं तुहाडी वीडियो बनाने। उन्होंने कहते तो बोलन लग पे, फिर अहीं गल करनी है ना। अगों सानू ना जान देण दे किसे बन्ने ते ना सानू इत्थे अटका के रखिया। पुलिस बुला रही आ साडे ते ही उल्टा। इन्होंने फड़ के कल जो मैं आनी डही हाँ तो इन्हें ऑपरेशन कर दिता। हुण 2 दिन रख लिया, 3 दिन रख लिया, तो हुण कहते लैके जाओ। हुण दसो असीं कित्थे लैके जाइए। असीं कहने साडा मरीज ठीक होना चाहिए। जो हुण असीं लैके चले हाँ तो उत्थे भी साडी ना पुछगिछ होवे ते साडे मरीज नूं कुछ हो जांदा, ते जिम्मेवार ये होणगे। लाइव भारत देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं तो अपना सुखविंदर कोहली। तो अज फिर जो नवा विवाद जोड़ा सिविल होस्पिटल के आ रहा। तो बिल्कुल जिस तरह तुहानूं असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि एक लड़की जी इत्थे एडमिट की गई, जिहड़ा कि ऑपरेट किया गया सीगा। तो उस तो बाद जिहड़ा ओदी हालत खराब होने तो बाद ही जिहड़ा सिविल होस्पिटल वालों जो आख्या गया कि इन्हों रैफर किया जा रहा है कि जेकर एडे एडे वड्डे डॉक्टर इत्थे मौजूद है तो की गल सिविल होस्पिटल के कि इहदा इलाज नहीं हैगा। क्यों जिहड़ा मरीज़ां नूं इस तरह की जी तंगी परेशानी है वो दित्ती जाती है। आखिरकार कि जेकर इन्हों को डॉक्टर नहीं है तो फिर क्यों जो सिविल होस्पिटल खोले गए। एडे एडे वड्डे डॉक्टर जो इतने मौजूद ने, क्यों नहीं जो पेशेंट का इस तरह इलाज जो किया जाता। तो बिल्कुल साढ़े नाल इत्थे घर वाले मौजूद है, उन्होंने भी गल करांगे। की ना जी अपना राधा। पहले तो असी आए ही ना तो 2 दिन इस तरह ही रख छड्या, ड्रिप वगैरह भी नहीं लाई। फिर अगले दिन मैडम ने कहा वा तो फिर लगाई तो सानू कहिंदे नॉर्मल ही होना वा। अगे भी ये 2 बच्चे नॉर्मल ही होए आ। तो अड़े टाइम तो सानू 2 सैकेंड कहते कि ऑपरेट होना वा, ऑपरेट च लै गए तो कहते साइन करो। असी साइन सानू की पता भी कि की करन दे हुण की नहीं करन दे। ऑपरेट होया, बेटी होई आ ते बाद चों कल दा यूरिन नहीं पास होण दिया शाम। पहलो होया थोड़ा जिहा होया, बाद चों होया नहीं है। तो हूँ सानू अड़े टाइम कल का तुसीं कल निकला दो। हूँ कह रहे हैं कि हूँ लैके जाओ, जो इन्नी स्वैलिंग ही हो गई तो काफ़ी टाइम हो गया वा। तो जे असीं लैके चले हाँ उत्थे साडे रिलेटिड गल करन दे आ ते उन्हां दी बेटी का फोन आया वा, वो चुकणगे। हूँ तुसीं तुहाडा फोन आएगा, तुसीं चुकोगे ही ना। तो उन्हां चुकना ही तो उन्होंने नर्स ने, स्टाफ नर्स ने पता किया, मोबाइल हाथ चो खोलिया, कहते असीं तुहाडी वीडियो बनाने। उन्होंने कहते तो बोलन लग पे, फिर असीं गल करनी है ना। अगों सानू ना जान देण दे कि बन्ने ते ना सानू इत्थे अटका के रखिया। पुलिस बुला रही आ साडे ते ही उल्टा। तो कहते अपना एड्रैस भी लिखा के जाओ, फिर जान देना तुहानू। तो साडे जे मरीज नूं कुछ हो गया तो असीं इन्हां नूं पुछना जे, इन्हां ते केस करना। असीं बहुत ज़्यादा साडे ते अत्याचार करन दे। काफ़ी देर दा उन्हां ने सानू बिठाया होया, मरीज नूं ना जान देंदे ना कुछ। ते जे कोई माड़ा बंदा आएगा तो होर ते इस तरह करनगे। फोन नर्स इत्थे अगे अंकां वाले, थोड़ी जी हाइट छोटी, छोटे वाल हुण अंदर होने आ। ते इन्हां दा फोन इन्हां दी बेटी दा आया ते ओह हुण गल करन दे। ओह चुकणगे थोड़ी ना, कट्टणगे ही। ते जे उन्हां ने कट्टता ते कहंदे फोन मोबाइल हत्थ चों खोलिया, कहंदे तुहाडी वीडियो मैं बनाउणी आ। असीं कहण दे कि सानू इंसाफ दो, साडा मरीज इतना वा सानू दो। कहंदे असीं इत्थों खड़दे नहीं कि साडा मरीज ठीक करके देण। हाँ जी, मैं सस आं उहदी। साडे अगे 2 बच्चे नॉर्मल होए आ। इन्हां वैसे असीं ते घर असीं सियाणा बंदा कोई हैगा ही नहीं सी। मैं भी नहीं आई, मैं ठीक नहीं हैगी, मैं भी ना आई। बच्चे आए आ, इन्हां ने 2 दिन ये रहियां ने तो इन्होंने फड़ के कल जो मैं आनी डही हाँ तो इन्हें ऑपरेशन कर दिता। हुण 2 दिन रख लिया, 3 दिन रख लिया, तो हुण कहते लैके जाओ। हुण दसो असीं कित्थे लैके जाइए। साडा मरीज ठीक करके देण। असीं इन्हां बस हाँ जी, कोई सहूलत नहीं। इत्थे काहदी सहूलत है? इत्थे बेइज्जती करन दियां मैडमां। काहदी सहूलत है इत्थे? साडा तो मरीज अद्ध वरिता होया। असीं हुण किधर लैके जाइए दसो। जिदा तुहानूं तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो सरकारी होस्पिटलों के जिस तरह के हालात है देखने को मिल रहे हैं कि एट ए टाइम जो मरीजों को इतों ट्रांसफर किया जाता है कि होर जगह पर जो इन्हों भेजा जाता है कि क्यों जो फिर सिविल होस्पिटल में इलाज नहीं है। तो जेकर गल करिए कि तुसीं देख सकते हो कि काफ़ी जोड़े इत्थे लोग भी है मौजूद ने, तो जोड़े इत्थे प्रशासन है वो भी मौजूद है, पुलिस भी जी इत्थे पहुंची हुई है। तो जो साफ तौर पर परिवारिक मैंबरों वालों कहा जा रहा है कि जो इन्हों वालों साढ़े नाल बदसलूकी की गई है। तो जरूर असीं इन्हां नाल भी गल करने की कोशिश करांगे। तो फिलहाल पहले तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि सिविल होस्पिटल दीयां कि जिथे कि तुसीं देख सकते हो कि एक मरीज़ नूं जिहड़ा इलाज के दौरान कि जो हुण सीरीयस हो गए तो इन्होंने होर किते जिहड़ा शिफ्ट हो किया जा रहा है। तो तुसीं गल कीती कि जे डॉक्टर इत्थे हैगे नहीं कि जिहड़े हुण इलाज कर सकण। कहते साढ़े को ना मतलब कि इलाज नहीं होना, भी उत्थे लैके जाओ। सरकार तो सरकारी होस्पिटल हर तरह के इलाज है, सब कुछ है। कहते साढ़े को नहीं, बेबे नानकी लै जाओ। हूँ अशोक कुमार मेरा नाम जी, मेरी साली है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सारे टेस्ट भाई सारी रिपोर्ट साढ़े को पई है, अल्ट्रासाउंड होई है, अल्ट्रासाउंड में गुरदे का पता लगना, कादे विच पता लगना। ये भाई जिदन दे आए उदन का एक हिसाब का तंग ही करन दे सानू। हुण इन्हां घट तो घट भी काफ़ी देर हो गई, पुलिस प्रशासन बुला के साढ़े तो उल्ट कहिंदे तुहाडे ते परचा करवाना वा। असीं पता नहीं किस गल दा जी, ये सानू दस्सण ना, असीं तो पुछण वाले एड्रैस लिखा के जाओ, इत्थे कहण दे सानू भी अपना एड्रैस लेके जाओ, असीं तुहाडे कोलों ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ सरकारी हॉस्पिटलों के जी है गुंडागर्दी जी की जा रही है। तो बिल्कुल जिस तरह तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं तुसीं देख सकते हो कि एक मरीज़ की जी हालात है जोड़े वो बिल्कुल सीरीयस होए दे है। तो जी है औरत जी प्रैगनेंट सी जिरा कि अपरेट होया जी, इन्हां दा अपरेट होया सी जी, पहले नॉर्मल होए दो बच्चे, पहले सानूं कहिंदे रहे नॉर्मल होना, साडे टाइम 2 सेकंड च लैके कहिंदे अपरेट होना। मतलब कि पहलों अजनाले होए केस, हूँ इतने अपने पेके ही ना तो सिविल च सारा इलाज चलन दिया शुरू तो ही। हूँ अड़े टाइम अं कितने ला जाइए, शुरू तो इलाज चलन दिया। तो फोन तो उन्होंने फड़ाता खोया, कहते अं वीडियो बनाने नर्स कहते फोन देता ही। बिल्कुल तुसी देख सकते हो कि किस तरह जोड़े लोग इतने परेशान दे विच शम्मी है बेटी मेरी चीर फाड़ करके भेजते लगे आ, तो मुड़ के उत्थे जाके कोई ना हथ पाएगा तो एक कल नूं कौन जिम्मेवार है इत्थे इस मरीज़ का। इन्हां नूं असीं कहा हथ पल्ला भी जोड़िया भी चलो तुसीं इत्थे इलाज करो, एडा वड्डा हॉस्पिटल है, कहंदे साडे कोल डॉक्टर नहीं है जी, वाले इत्थे डॉक्टर ही बड़े वड्डे आ सरकारी हॉस्पिटलां दे, कहंदे हुण डॉक्टर नहीं है जी इत्थे साडे कोल जिहड़ा इलाज करूंगे। कहना चाहोगे कि जिहड़ा सरकार कहती कि साढ़े सरकारी आप इलाज करावांगे गरीबां दा, बड़े डॉक्टर ने साढ़े को पढ़े लिखे, तो की लगता कि इत्थे कोई डॉक्टर तो है ही नहीं। हाँ बस गौरमेंट तनख्वाह लैण वास्ते बैठे, और की असीं कहने साडा मरीज ठीक होना चाहिए। जो हुण असीं लैके चले हाँ तो उत्थे भी साडी ना पुछगिछ होवे तो साडे मरीज नूं कुछ हो जांदा, तो जिम्मेवार ये होणगे, जिम्मेवार ये होणगे। बिल्कुल जी जिहड़ी जिम्मेवारी है वो बिल्कुल हॉस्पिटल की बनती है चाहिए। मतलब उसे जाके उस टाइम ते उन्होंने केस में हत्थ पा, जे साढ़े बच्चे कुछ हो गया फिर ना सू पुछना से की कर देना। साफ तौर पर है कि जिस तरह हूँ मरीज़ की हालात है जी देखने मिली है कि जे कोई भी अभी नबी होंगी तो वह जोड़ा हॉस्पिटल वाले जोड़े वो जिम्मेवार होंगे। तो बिल्कुल जिस तरह तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि पुलिस अधिकारी भी इतने मौजूद है, तो उन्होंने भी गल करांगे। भाजी की मसला आया जी तुहाडे कोल? इन्हें पता मैं बाद मसल साढ़े कोई नहीं आया, साढ़े को कंप्लेंट आई है भी एक लेडी जी उन्होंने रैफर कर रहे जो मरीज है कि वापस लैके नहीं जा रहे, जिसे रैफर किया उसे ले जा नहीं रहे। इस गल तो नहीं कोई कार्रवाई नहीं, इन्होंने समझाउण रहे हैं तुहाडे यही फैसला कराओ, तुसीं अपने मरीज की ट्रीटमेंट कराओ, तो कोई गल नहीं है। मरीज नूं भेजण दे, मरीज आप नहीं लैके जा रहे, नहीं किसी ने रोकिया गया, किसी ने सर कहण दे कि नाल एड्रैस लिखाओ, तो आप क्या इत्थे एड्रैस हैगा तुहाडे कोल सारा कुछ हैगा, तो इन्होंने कहते कि पहले एड्रैस लिखाओ तो फिर जान देना। बिल्कुल जिस तरह तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो। बिल्कुल जिस तरह तुहानू तस्वीरां दिखा रहे कि जिदा इत्थे सरकारी महकमे दे विच जिहड़ा हॉस्पिटल दे विच जिस तरह की गुंडागर्दी की जा रही है, पेशेंटां जिहड़ा इत्थे मरीज है उन्हां नाल जिहो जे हालात इत्थे देखण नू मिल रहे हैं ते बिल्कुल तुहानू तस्वीरां दिखा रहे हैं। चलो भेजो बिल्कुल जिस तरह तुम देख सकते हो कि हजे तक मरीज उसा पाया पर किसी जड़ा डॉक्टर या नर्स का कोई ध्यान नहीं है कि कोई मरीज इस तरह जड़ा सीरीयस है कि उहदे वाल जड़ा ध्यान है वो किया जाए। तो जरूर असी जोड़े डॉक्टर ने इत्थे जोड़े उन्होंने भी गल करन दी जी कोशिश जरूर करांगे। बिल्कुल जिस तरह तुहानू दिखा रहे हैं तस्वीरां दे विच। मैडम जी कौन है डॉक्टर, कौन ने इत्थे जी डॉक्टर? डॉक्टर मैं करवा देनी गल, डॉक्टर मैं करवा देनी। बिल्कुल जिस तरह तुम देख सकते हो कि जड़ा हूँ कुर्सियां छड्ड के भी जड़ा बके इतों यार आसे पासे होया जा रहा है कि जदों मीडिया इत्थे पहुंची है तो बिल्कुल जिस तरह तुहानू विखाइयां तस्वीरां दे विच कि जड़ा पेशेंट दा जड़ा सीरीयस है पर ओहदा जड़ा इलाज है वो बिल्कुल जड़ा डॉक्टरां वालों हत्थ नहीं पाया जा रहा, क्यों जड़ा सरकारी हॉस्पिटलों के इस तरह के काम किए जाते जो कि प्रशासन वालों साफ तौर पर कहा जाता कि जोड़े हॉस्पिटलों के वड्डे डॉक्टर ने तो बिल्कुल जड़ा सरकारी हॉस्पिटलों के जड़ा इलाज है वो किया जाएगा। पर फिलहाल तुहानू तस्वीरां जिदा दिखा रहे हैं कि इत्थे जोड़े लोग है वो अपने एक परिवार के मैंबर नू लैके किद्दां जिहड़ा परेशान तंग परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरह डॉक्टरों वालों इत्थे जिहड़ा हत्थ है वो बिल्कुल नहीं इन्हां नू पाया जा रहा, ना ही कोई इन्हां दा इलाज किया जा रहा तो मौके पर जिहड़ा इन्हां नू रैफर करन दी गल की जा रही है। तो बिल्कुल जिस तरह तुहानू तस्वीरां दिखा रहे हैं कि किस तरह जिहड़े लोग इत्थे परेशान जिहड़े वो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह तुहानू लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं इस वक्त। हुण कित्थे कहंदे लैके चले आ जी? हुण बेबे नानके आई लैके चलने कहंदे कहते इतने डॉक्टर ही नहीं है गुरदिया के, कोई भी बाथरूम नहीं आन दिया साढ़े को, डॉक्टर नहीं है। हाँ जी अं कितने ना कितने तो खड़ा अपने मरीज न इन्होंने रेफर किया। ठीक है बिल्कुल जिस तरह तुहानू तस्वीरां दिखाइयां कि तुसीं देख सकते हो कि जोड़े काफ़ी इत्थे परेशानी का सामना जोड़ा करना पैंदा। जरूर इत्थे दे डॉक्टर ने उन्होंने भी यही गल करन दी जिहड़ी कोशिश है जरूर करांगे। बिल्कुल साडे नाल इत्थे डॉक्टर भी मौजूद हैं, उन्होंने गल करांगे। मैम जी की गल हुई है सारी जी जोड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि जोड़े हॉस्पिटल अधिकारियों वालों साडे फोन खोए गए हैं, पेशेंट का जोड़ा ध्यान नाल इलाज नहीं किया गया? देखो सर पेशेंट जोड़ा सीगा ना उन्होंने असी सस्पैक्ट कर रहे हैं कोई किडनी की प्रॉब्लम ना होवे और साढ़े को माहर किडनी का डॉक्टर इस हस्पताल में नहीं है। इको डॉक्टर साहब MD मैडिसिन देने वो भी गुरु नानक शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों तक, आई थिंक हो ही गए होने हैं। पेशेंट की भलाई सोचते हुए असी पहला सवेर का उन्होंने इंजैक्शन ड्रिप सब कुछ दिता, जो सूँ लग्या कि नहीं जान ज़्यादा जरूरी है असी इन्हों काउंसल किया भी तुम गुरु नानक हस्पताल चले जाओ, अगर तुहाडा पेशेंट स्टेबल हो जाता है गुरदे ठीक काम कर रहे टैसट ठीक ने असी सिर्फ उन्होंने ऑब्जरवेशन लिए भेज रहे हैं और ये भी एश्योरेंस दिता है कि मरीज़ ठीक हो जाएगा तो असी वापस तुसी आ जाओ असी टेक केयर करांगे। इस दौरान की है कि एक उन्होंने कोई होर रिश्तेदार ने कितने उन्होंने कहा सुनी होगी है साढ़े रेजिडेंट डॉक्टर के नाल, नवा फ्रैश बच्चा है चलो उन्होंने भी माफ़ करना चाहिए जो बच्चे ने कितने फ़ोन फड़ भी लिया तो उन्होंने इनफैक्ट पेशेंट रैफर खड़न तो मना करता और कह रहा कि नाल कोई एक जना बैठो। मैं कल्ली डॉक्टर ड्यूटी तो एक मेरे नाल स्टूडेंट है 2 स्टाफ नर्सा मैं किन्नू भेजा? 24 घंटे एमरजेंसी चल रही है साड़ी, 6 वड्डे ऑपरेशन हो गए ने कल भी 6 होए ने ते अजे ते पूरा लेबर रूम भरिया होया। असी तो मरीज नाल बहुत तरीके नाल गल कीती है, उस तो बाद उन्होंने नहीं जो खोए गए कि एक बच्चे की इन्नी हिम्मत है कि इन्हें क्राउड चो उहदा फोन फड़ ले तुसी आप सेंसिबल है गए हो। असी नहीं ये नहीं मैं कह रही थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है, दोवें तरह की गलती हो सकती है पर इन्ना वड्डा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए। प्रायोरिटी मरीज की हैल्थ है जी तो उन्होंने इनफैक्ट 1:30 बजे का मरीज रैफर होया और 3-3:30 का आई थिंक टाइम हो गया है, डिले 2 घंटों का उन्होंने वालों भी किया गया। असी सोच रहे हैं पहला प्रायोरिटी मरीज है थले 108 खड़ी हुई है कॉल की हुई है टाइम नोट कर सकते हो बकायदा, सगों ये मैडिकल प्रोसैस देरी है और कभी भी कोई डॉक्टर ये नहीं कहता मरीज़ का नुकसान हो जाए। और सिजेरियन का मैं कारण दसदी हाँ, वो को 2 बेटा बेटी पहला नॉर्मल है 3री वो प्रैगनेंसी हुई है। असी चांस हमेशा सरकारी हस्पताल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, एक इंजैक्शन भी जो किसी तो मंगाया हो तो पुछ सकते हो। बच्चे की अंदर लैटरीन निकल गई वो धड़कन घट गई उन्होंने साइन है तो बच्चे की जान बचाने खातर वह ऑपरेशन होया जी और अज के टेस्टा च सैल भी घट आए हैं। कभी कोई मरीज का नुकसान नहीं करता, हूँ शरीर के अनेक तरह के रोग तुम्हें भी हो सकते हैं मैनू भी हो सकते पर नाम डॉक्टर का आ जाता है। मैं आप मेरी ड्यूटी मजीठे CHC च है सानू बाहरों बुला के इत्थे ड्यूटी कराउंदे। तुहाडे कोल गायनी दा इस टाइम सिविल दे विच सिर्फ 2 डॉक्टर है, एक नैशनल न्यूरल हैल्थ मिशन और दूजे मैडम ने जो रेगुलर ने, और उन्होंने भी रिजाइन कर दिता है। सितंबर च चले जाएंगे। अरे कित्थे है, उही तो मैं कह रही हूँ, डॉक्टर आना ही नहीं चाहते। कुछ माहौल की खराबी, कुछ इंटरफेरेंस और इन्ना प्रैशर है कि जिहड़े हैगे ना 2 डॉक्टर नौकरी छड्ड गए ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ के गायनी के। मैं दोनों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जिले के इत्थे ड्यूटी करते सी। कितने 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 सिस्टम च भी तो गड़बड़ है कि डॉक्टरों को डरा धमका के मजबूर किया जा रहा है। मैं कली ड्यूटी तो है इस टाइम, नाल मेरे स्टाफ है, नाल मेरे जूनियर स्टाफ है। गायनी दी मैं आ 2 बजे तक। हूँ ऑपरेशन थिएटर खत्म किया, हूँ इदा हो गया। जो फोन आ गया मैं घरों फिर तो बार-बार आना। कल्ले नहीं, सिर्फ गायनी स्पैशैलिटी जो ताड़ी ब्रांच है जी, तुसी प्लीज़ घुमाओ ना। मेरा गायनी है, जनाना विद लेबर रूम, डिलीवरी, सिजेरियन बस जी। तो गुरदियां की प्रॉब्लम के शक करके उन्होंने भेज रहे हैं, होर उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा उन्होंने कोल है तो उसकी भलाई वास्ते चैकअप लिए, और वो ठीक हो जाती है तो वापस साढ़े को आएगी। नहीं 108 गड्डी च EMT एमरजेंसी मैडिकल ट्रेन होंगे ने, साडी टीम पूरी होंगी। वो असी थोड़ी ना किया जी, असी तो टाइम साढ़े को रैफरल का 108 की कॉल का टाइम है, असी तो किया ही नहीं है। जे किसी रिश्तेदार को कोई गिला शिकवा है मुलाजम इतने, असी इतने रिश्तेदार रुक जाए, मरीज तो बचाओ उन्हें खड़िया ही नहीं है। तो मैं कली असी साडी एजा वेख, मेरी एज वेखो, मेरे स्टूडेंट की एज वेखो, तो 22-23 साल की, कि असी इन्ने लोगों का टाकरा लै सकते हैं। इट्स वेरी अनसेफ टू वर्क। थैंक यू। हाँ बिल्कुल, जिस तरह असी डॉक्टर साहब ने भी गल की जो मौके पर मौजूद है। अपना मैम नाम की है जी डॉक्टर साहब? डॉक्टर प्रभजोत वड़ैच, MD गायनी। हाँ बिल्कुल, जिदा डॉक्टर साहब ने गल की कि उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जोड़े फिलहाल कि इतने सिर्फ 2 ही इस टाइम डॉक्टर ने। तो बाकी जे गल की सरकारां तो कहदियां कि जोड़े सरकारी होस्पिटलों के काफ़ी सहूलत दिखाई गई हैं, फ्री इलाज लोगों को दसिया गया है, तो नाल जोड़े डॉक्टर है व्डे तो व्डा जो डॉक्टर इतने मौजूद है। पर फिलहाल इस तरह के हालात देख के लगता नहीं है कि इतने कोई व्डे डॉक्टर भी इतने मौजूद ने कि जोड़ा इस चीज़ों वाल बाकी ध्यान कर सके। सरकारों चाहिए जरूर इनू वध तो वध शेयर करो कि जिहड़ा सरकारां तक यह खबर जी पहुँच सके कि जिहड़ा सरकारी होस्पिटलों के आख्या जाता है कि साढ़े कोल हर तरह के जोड़े वड्डे डॉक्टर ने, सरकारी जो होस्पिटलों के फ्री इलाज है। तो तुसीं देख सकते हो कि फ्री इलाज का नतीजा की है कि जोड़े इत्थे लोग अपनी है जोड़े पेशेंट नूं लैके इत्थे काफ़ी देर तक जोड़ा इत्थे खज्जल खराब होना पैंदा है, जो मौके के उत्ते उन्होंने ट्रांसफर किया जाता कि आखिरकार सरकारी होस्पिटलों के जो डॉक्टर नहीं है तो फिर उन्होंने प्राइवेट होस्पिटलों के दूजे होस्पिटलों के जोड़ा शिफ्ट है वह किया जाता है। तो बिल्कुल वड्डी गल है कि सरकारां नूं इस चीज़ वाल भी ध्यान देना चाहिए है कि क्यों जोड़ा कि सरकारी होस्पिटल के विच प्रोपर जोड़ा इलाज है वह किया जाता, क्यों जोड़े प्रोपर डॉक्टर है इत्थे नहीं रखे जा रहे। तो ये वड्डा सवाल हुंदा पैदा हुंदा है कि सरकारां दे उत्ते कि काफ़ी जोड़ियां गल्लां कीतियां जांदियां ने कि सरकारी होस्पिटलों में हर तरह की जी सहूलत दी जा रही, पर तुसी आप ही तस्वीरों में देख सकते हो कि किस तरह जोड़ा सिर्फ एक ही जोड़े डॉक्टर ने मौजूद ने, जिन्होंने तुम आप सुन रहे हो कि उन्होंने कहा कि मैं कली डॉक्टर हाँ इतने जी मौजूद है। तो एडे व्डे होस्पिटल के एको ही डॉक्टर है तो होर कोई डॉक्टर है देखने वाला नहीं है। तो लोग जोड़े है जिन्होंने काफ़ी खज्जल खराब होने की जी है खज्जल खराब होना पैंदा है। तो बिल्कुल वीर जी की कहना चाहोगे कि जिस तरह सरकारां कहंदी है कि इत्थे डॉक्टर भी है, सरकारी इलाज है, तो जिस तरह तुहानूं खज्जल खराब कितनी देर खज्जल खराब होना? सर 2 घंटे घट्टो घट्ट। बेबे नानके इन्होंने रैफर किया, उत्थे भेजा जी। तो जे बाई चांस उन्होंने राह दे विच कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार है होएगा स्टाफ इन्हां दा। तो जेडे मैडम ने बसलुकी की वो अंदर बैठे जी। हाँ जी सर इधर देखो मेरी गल सुनो, तुसीं फोन चो करदे होगे, फोन आएगा तो सुनोगे नहीं, सुनोगे ना, तो ये फोन का मतलब तो कोई है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बच्चा तो ठीक है, भैन मेरी कंडीशन उन्होंने सीरीयस ही है। हाँ जी कहते गुर्दे खराब, कभी उन्होंने यह प्रॉब्लम आई नहीं, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। इन्होंने पता है डॉक्टर तो आए आप पता लैके ही आ सकते बस। प्रशासन अगे यही मांग करते हैं कि जो भी हॉस्पिटल वाले हैं ना इन्हां दे वाल ध्यान किया जाए, तो इन्हां दे जेहड़े बदसलूकी करदे आ ते इन्हां नूं सस्पेंड किया जाए। बस बिल्कुल जिस तरह साफ तौर पर दसिया है कि जोड़े इस तरह के जोड़े है इन्हों जरा सस्पेंड किया जाए तो बिल्कुल जिस तरह तुम तस्वीर दिखाई हैं कि जोड़े इतने पेशेंट है उन्होंने किस तरह जोड़ा खज्जल खराब होना पैंता। सरकारां तां कहंदियां ने कि सरकारी होस्पिटलों में फ्री इलाज किया जा रहा वड्डे तो वड्डे डॉक्टर ने, पर जिस तरह तुम तस्वीर वेखिया कि इन्हों को गुरदियां दे भी जो डॉक्टर है मौजूद नहीं है तो मौके के उत्ते जो पेशेंट सीरीयस हो गया उस तो बाद उन्होंने जोड़ा रैफर है वह किया जाता है। जेकर पेशेंट राह च जाते कोई प्रॉब्लम आती है तो वह जिम्मेवार किनू ठहराया जाता है। परिवारक का साफ तौर पर कहना कि साढ़े नाल जी बसलूकी भी की गई है तो जिधर असी डॉक्टर नाल भी गल की कहते साढ़े वालों कोई इस तरह की बसलूकी नहीं की गई, पर यह तो हुण परिवार भी दस रहा कि जिस तरह इन्हों के फोन खोए गए या मौके पर की गल हुई है सारा बिल्कुल तुहानूं दिखाया कि जो परिवार दस रहा। तो सरकार अगे इहो ही बेनती कि सरकारी होस्पिटलों वाल वध तों वध ध्यान दिता जाए कि जिहड़े लोगों नूं इहो जी परेशानी का जो सामना है वह ना करना पवे। इस तरह की खबरों नाल जुड़े रहो, साडे नाल तुहाडे फिर रूबरू होवांगे। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो सुखविंदर कोहली की खास रिपोर्ट, लाइव भारत।